विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह से हमारी सहयोगी आशीष शुक्ला ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरक्षनाथ मंदिर में, और यहाँ पर चूंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, और चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर जनता का, वो भी हम साथ ही साथ जानेंगे। विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी हमारे साथ। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो चूंकि चुनाव नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, तैयारियां जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, हर जनता, हर महिलाएं, हर बच्चे से लेकर के सब, हर जगह योगी योगी है। मैं आपको बताऊं कि इतना काफ़ी लाखों वोटों से महाराज जीत रहे हैं, और यहाँ से गोरखपुर से महाराज जी पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं, तो करीब 25 सीटों पर पूर्वांचल का असर पड़ रहा है। सभी 25 इधर पूर्वांचल की सभी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, हम लोग 1 फरवरी से चले हैं दिल्ली से, गाजियाबाद होते हुए ये आपका लखनऊ, हरदोई, आपके बरेली, उसके बाद हम लोग अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, काशी गए, बनारस, प्रयागराज, सभी जगह जाकर प्रचार किए। अब हम लोग 3 दिनों से गोरखपुर में ही लगे हैं, 25 कार्यकर्ता हम लोग गोरखपुर में घूम रहे हैं, हर घंटा घर, गोल घर, सभी हम लोग घूम कर प्रचार किए। और यहाँ से लगता है कि प्रत्येक, मतलब हमें विचार से 90% वोट महाराज जी को मिल रहा है, 10% में हमने सभी लोग। हम गोरखपुर में मौजूद हैं और यहाँ का चुनावी समीकरण क्या है, ये समझने की पूरी कोशिश करें। हर एक अपडेट आप लोग देते रहेंगे, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।